दिन की शुरुआत शुक्रिया के साथ करो। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमने एक तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई मैं रात भर सो के उठा और जीवित उठा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने मुझे एकदम तंदुरुस्त नॉर्मल जगाया है, जागृत किया है, तो ये नेचर का, ये भगवान का मैंने शुक्रिया सबसे पहले अदा करना चाहिए। फिर दूसरा शुक्रिया अपने मन का कि भाई मेरा मन जो है वो साबुत है, वो क्लियर है, वो जगह पे है, मैं अच्छा विचार कर सक रहा हूँ, अच्छा सोच सकता हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, तो उसका भी एक शुक्रिया मैंने अदा करना चाहिए। तीसरा अपनी बॉडी का कि अपनी बॉडी मुझे साथ दे रही है, मुझे जो भी कुछ करना है ये दुनिया में मैं बॉडी के थ्रू ही करता हूँ, ये मेरा व्हीकल है, तो उसका भी शुक्रिया मैंने अदा करना चाहिए। चौथा शुक्रिया मैंने अदा करना चाहिए लोगों का कि लोग मेरे आजू बाजू में जो है उनका शुक्रिया मैंने अदा करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो है करके मैं हूँ। फिर लोग पूछते हैं कि जो हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं करते क्या उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए? मैं बोलता हूँ कि भाई वो मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो मेरी गलतियाँ ढूंढ रहा है, वो मुझे नीचा बता रहा है, वो मेरा मत्सर और द्वेष कर रहा है, तो मेरी उंगली कहाँ है? मेरी उंगली सामने वाले की तरफ है। मैंने ये देखना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार मेरे से कर रहा है तो मैंने ऐसा क्या किया, मैंने उसको कौन से वाइब्रेशंस दिए, मैंने उसको कौन सी स्पेस दिया, मैंने कैसा उसके लिए एक स्पेस तैयार किया कि वो ऐसा व्यवहार मेरे से कर रहा है। एक्चुअली यदि लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपका द्वेष कर रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको एक मौका है कि उस समय भी स्थिर रहने का और उनका शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि आपके आजू बाजू में यदि लोग हाजी हाजी करने वाले हैं, आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा बोलने वाले हैं, जो मंत्रियों के पास में, आसपास में बड़े अधिकारियों के पास में लोग रहते हैं, हाजी हाजी करते हैं, साहब आप बड़े हो, साहब आप बड़े हो, ऐसा बोलते रहते हैं, तो लोग आपके पास में यदि ऐसे हैं कि जो आपकी गलतियां निकालते हैं आपको बोलते हैं, तो वो मुझे मौका है सुधरने का। मराठी में ऐसी कहावत है कि निंदक आचे घर असावे शेजारी, यानी जो मेरे ऊपर टीका करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसका मकान मेरे बाजू में होना चाहिए। वो यदि लोग है तो वो मुझे नम्रता सिखाते हैं, वो मेरा अहंकार ले लेते हैं, मुझे अहंकारी नहीं बनने देते हैं, और वो नम्रता से मैं बातचीत कर सकता हूँ। यदि सब मुझे हाँ जी कर रहे हैं, वाह 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 कर रहे, तो मेरा अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, मैं खुद को बहुत बड़ा समझने लगूंगा। तो लोगों का भी धन्यवाद दो, जो लोग आपके साथ में जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, पता नहीं वो मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है तो वो कौन से मानसिक अवस्था में है। हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ तो भी हलचल चल रही है, उसके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो सह नहीं सक रहा है, उसके जीवन में जो भी वो जीवन जी रहा है उसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं कि उससे वो बहुत अपसेट है, और फिर वहां से वो मेरे से यदि व्यवहार कर रहा है तो मैंने एक्चुअली उसके ऊपर एक कंपैशन रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए कि ठीक है भाई वो बीमार है। यदि वो बीमार है मानसिक दृष्टि से, बीमार मतलब कोट अनकोट ठीक नहीं है भाई, उसकी शांति नहीं दिमाग में, तो मैंने करुणा बताना चाहिए, कंपैशन बताना चाहिए उसके प्रति कि ठीक है मैंने उसके जैसा नहीं बनना चाहिए, कि वो मेरा द्वेष कर रहा है चलो मैं भी द्वेष करता हूँ, ऐसा क्यों करना है, मैंने वो लेवल पे क्यों नीचे गिरना है, मैंने मेरी लेवल क्यों छोड़ना है। तो वो यदि गिर के मेरे से बात कर रहा है, गिर के मेरे से व्यवहार कर रहा है, नीचे गिर के व्यवहार कर रहा है, मैंने क्यों नीचे गिरना है, मैंने तो मेरी लेवल पे रख के उसके साथ में करुणा प्यार वो करूंगा मैं, और हरदम 24/7 में दूंगा, तो डेफिनेटली मैं ऐसी एक स्पेस तैयार करूंगा कि जो स्पेस में वो ठीक हो जाए। और एक व्यक्ति यदि ऐसा ठीक होता है और मैं ऐसा एक एक व्यक्ति ठीक करता हूं, तो एक नया विश्व, एक नई दुनिया मेरे आजू बाजू तैयार हो जाएगी, कि जो लोग कंपैशन प्यार धन्यवाद यहां से ऑपरेट करते हैं, यहां से अपना जीवन जी रहे। मैंने स्टेबल रहना चाहिए, सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, सफलता हो या असफलता हो, जो भी है, तो मेरा स्टेबलनेस जो है वो माइंड का एक स्थिरता, वो परिस्थिति के ऊपर न रहते हुए मेरी माइंड की स्थिरता जो है, मन जो है, वो मेरे अंदरून जो स्थिति है, अंदरून जो विचार है, जो मैं अच्छे क्रिएट कर रहा हूँ,
वो स्टेबल रख के मैंने मेरा जीवन जीना चाहिए, ताकि मैं परिस्थिति का गुलाम नहीं रहूंगा, ना मैं लोगों का गुलाम रहूंगा। उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, तो मैं उसके लेवल पे गिरूंगा नहीं, मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मैं मेरे लेवल पे ही रहूंगा और वहां रह के उसको ठीक करूंगा। यहां से प्यार होगा। थैंक यू वेरी मच।